गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक ध्वनि का अभ्यास करेंगे। मौखिक पढ़ो, यहाँ पर शब्द दिए उसको रीड करना है। पाव, आपको भी मेरे साथ रीड करना है। पाव, गाव, सुंड, आंधी, चांदी, दांत, पांच, साक, मांडरा, फांसी। तो इस सभी में चंद्र बिंदु लगा है, देखो है ना, आधा चंद्र और बिंदु। लिखित क्वेश्चन टू, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। ग प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु यानी क्या होता है, गा प्लस व इज इक्वल टू गाव। नेक्स्ट त प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु यानी क्या होगा, ता प्लस ग प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू तांगा। नेक्स्ट द प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस त इज इक्वल टू क्या होगा, दांत। नेक्स्ट ब प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस स प्लस उ की मात्रा प्लस र प्लस इ की मात्रा इज इक्वल टू क्या होगा, बांसुरी। नेक्स्ट म प्लस अ प्लस चंद्र बिंदु प्लस ग प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू क्या होगा, महंगा। ऐसे ही चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करो। ये है सांप, तो सांप नहीं होता, क्या होता है, सांप, तो सा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। कुआ, कुआ बोलोगे तो आपके नाक में से भी आवाज़ नहीं निकलेगी और मुंह भी नहीं खुलेगा, लेकिन सही उच्चार क्या होता है, कुआ, तो आपका मुंह भी खुलेगा और आपके नाक में से भी आवाज़ निकलेगी, इसलिए कुआ। तो कु के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। ऐसे ही चाँद, तो चाँद नहीं होता, सही शब्द क्या होता है, चांद होता है, चांद, तो इसलिए चा के ऊपर चंद्र बिंदु। आधी, तो सही उच्चार क्या होगा, आंधी, तो इसीलिए आ के ऊपर चंद्र बिंदु, आंधी। ऊट, ऊट, ऊट नहीं होता, सही उच्चार क्या होता है, ऊंट, तो इसलिए ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा और ट, ऊंट। नेक्स्ट अंगों के नाम लिखो, यहाँ पर पिक्चर दिया है उसमें आपको अंगों के नाम लिखने हैं। तो यह क्या है बच्चों, कौन बताएगा मुझे, देखो ये क्या है, आँख है ना, आँख जिससे आप सभी देखते हो, तो यहाँ पर लिखना है आँख। फिर दूसरा क्या है, ये नाक है ना, नाक जिससे हम सब सूंघते हैं, तो यहाँ पर लिखो नाक। फिर ये क्या है, कौन बताएगा मुझे, हाथ है ना, हाथ जिससे हम सब काम करते हैं, लिखते हैं, वो हाथ, तो यहाँ पर लिखो हाथ। फिर ये क्या है, पैर है ना, पैर जिससे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखो पैर। फिर ये क्या है, बाल, तो यहाँ पर लिखो बाल। फिर ये क्या है, कान है ना, वेरी गुड, जिससे हम सब सुनते हैं, कान। फिर ये मुंह, तो यहाँ पर लिखो मुंह, जिससे हम सब बोलते हैं, वो मुंह। फिर ये, इसको क्या कहेंगे हम, बाजू, तो यहाँ पर लिखो बाजू। फिर ये टांग, तो यहाँ पर लिख डालो टांग। ओके बच्चों, अब चित्र को देखकर अंग और चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द लिखो। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है जिसमें बहुत सारे पिक्चर है, लेकिन हमें अंग
और चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, जैसे कि शंख, शंख दिया है, ये देखो ये रहा है ना शंख इसके हाथ में। तो ऐसे ही दूसरा पिक्चर कौन सा है, ये देखो ये क्या है, बंदर है ना, तो ब के ऊपर अंक की मात्रा लगेगी, बंदर। उसके बाद हंस, ये देखो ह के ऊपर अंक की मात्रा, यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगाना वरना क्या हो जाएगा, हंसना। मैंने बताया था ना आपको कि ह के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे तो हंसना हो जाएगा, और ह के ऊपर बिंदु की मात्रा हम लगाएंगे तो हंस, जो पानी में तैरता है वो पक्षी हंस। नेक्स्ट क्या है, ये मंदिर, तो म के ऊपर अंक की मात्रा लगती है ना, मंदिर। ऐसे ही झंडा, मंदिर के ऊपर क्या होता है, झंडा होता है ना ध्वजा, वो झंडा। फिर नेक्स्ट सांप, ये देखो ये रहा सांप। उसके बाद ऊंट, तो ये रहा ऊंट। फिर ये चांद, यहाँ पर लिख डालो चांद। तो बच्चों ये आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। ये थी चंद्रबिंदु अनुनासिक की एक्सरसाइज अभ्यास। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। बच्चों पिछले वीडियो में हमने चंद्रबिंदु की एक्सरसाइज की थी अभ्यास किया था, आज हम उसका क्लास वर्क करेंगे। अनुनासिक ये उसकी मात्रा, और उसको क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि उसकी मात्रा कैसी होती है, आधा चंद्र और उसमें बिंदु, इसलिए इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक और चंद्र बिंदु दोनों एक ही होते हैं। क से ह के व्यंजन, क ख ग घ ङ, च छ झ स य, ट ठ ण ठ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स श ह। तो ये पूरा आपको ख से ह तक लिखना है। ओके बच्चों, उसके बाद क्लास वर्क में आपको अभ्यास करना है। क्वेश्चन वन, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। ग प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु, गाँव। ऐसे ही तांगा, दांत, बांसुरी, महंगा। फिर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करो। तो यहाँ पर सांप दिया है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है, सांप, कुआं, चांद, आधी, ऊंट। ओके बच्चों, ऐसे नेक्स्ट आगे अंगों के नाम लिखो, वो आपको टू टाइम्स लिखने है, आँख, नाक, हाथ, पैर, बाल, कान, मुंह, बाजू, टांग। ओके बच्चों, नेक्स्ट अंग और चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द लिखो, वो भी आपको टू टाइम्स लिखने है, शंख, बंदर, हंस, मंदिर, झंडा, सांप, ऊंट, चांद। ओके बच्चों, तो ये था आपका क्लास वर्क। तो यहाँ पर हमारी अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग और चंद्र बिंदु, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू, या आप अच्छे से नोटबुक और टेक्स्ट बुक में कर लेना। गुड बाय।